हाँ यस सुप्रिया, सुप्रिया। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्राइम वीडियोस पे आई नई वेब सीरीज अधूरा के बारे में, और जानेंगे इसके एंड में क्या हुआ और क्या अभी निनाद का जो भूत था उसको मुक्ति मिली है या फिर कोई एक नया भूत सुप्रिया के बॉडी में एंटर कर चुका है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो हम लोग जान लेते हैं इस शो की स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी ये होती है कि ऊटी का एक स्कूल होता है जहाँ पे 2007 के बैच के पास आउट लड़के अपने रियूनियन के लिए आते हैं। वहाँ पे एक लड़का होता है विद्यांत, जो कि काफी ज्यादा बुली हो रहा होता है अपने क्लासमेट के द्वारा। और सेम स्टोरी कई साल पहले यानी कि जब 2007 का बैच था उस समय भी ये स्टोरी निनाद नाम के एक लड़के के साथ हो रही होती है। सो हम लोग आगे आते हैं, हमें पता लगता है कि वो निनाद नाम का लड़का 15 साल से गायब ही है, और स्कूल में ओल्ड बॉयज के आते ही काफी ज्यादा ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। अधिराज जो निनाद का बहुत अच्छा दोस्त होता है वो उसको खोजता रहता है, लेकिन निनाद उसे नहीं मिलता। बाद में वो पता लगाता है तो ये पता लगता है कि निनाद 15 साल से मिसिंग है। सो ये शो उसी के बारे में चलता रहता है, और कई सारे लोग जो कि निनाद को बुली कर रहे होते हैं उनकी मौत होती रहती है, और हम ये पता लगता है कि निनाद विद्यांत की बॉडी में आके ये सब काम कर रहा होता है और उसे भी बचा रहा होता है बुली होने से। फिर स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ती है और लास्ट एपिसोड में हमें पता लगता है कि निनाद की जो मृत्यु हुई थी उसके पीछे कुछ लोग हैं, जिनमें से एक नाम आता है देव का। देव जो है वो स्कूल का इस समय ट्रस्टी बन गया होता है, तो फिर उस पे ज्यादा लोग उंगली उठा भी नहीं पाते, और उसका कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी होता है। स्टोरी से हमें ये पता लगता है कि जो देव होता है वो मालविका से प्यार करता है, और मालविका अधिराज की गर्लफ्रेंड होती है। लेकिन लास्ट में हमें ये पता लगता है कि जो अधिराज होता है वो अपने दोस्त की काफी ज्यादा केयर करता है, बट अपनी गर्लफ्रेंड को वो कम अटेंशन देता है। और स्कूल के लास्ट डे जब अधिराज और निनाद घूम रहे होते हैं तो निनाद अधिराज को किस करने के लिए बढ़ता है, और अधिराज इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे होमो भी बोलता है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। तभी वहीं दूसरी तरफ मालविका अधिराज के लिए एक फेयरवेल डेट प्लान की होती है उसने, लेकिन अधिराज इतने गुस्से में होता है कि उसे वो बात भी भूल जाती है। फिर उसके बाद सब लोग चले जाते हैं, और यहाँ पता लगता है कि निनाद की मृत्यु हो जाती है, और जो देव होता है वो मालविका को इम्प्रेस करने के लिए निनाद को मारता है, और इसी का बदला लेने के लिए निनाद इन लोग के पीछे पड़ा होता है और एक करके सबको मार देता है। ऐसा लगता है यहाँ पे केस सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है जब मालविका की पिन निनाद के कपड़ों में मिलती है। तब जाके हमें ये पता लगता है कि निनाद को किसी और नहीं मालविका ने गलती से मार दिया था। सो हम देखते हैं कि निनाद सबसे पहले मालविका के पास जाता है उसे सॉरी मांगने, लेकिन मालविका उसे धक्का दे देती है जिसके कारण वो गलती से गिर के वो मर जाता है। और उसके बाद निनाद अब मालविका के पीछे पड़ जाता है, और मालविका को बचाने के लिए अधिराज आता है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता, उसकी आंखों के सामने निनाद मालविका को मार देता है। इसके साथ ही निनाद अपनी मुक्ति को स्वीकार नहीं कर रहा होता है, लेकिन अधिराज के कहने पे वो वहां से चला जाता है और विद्यांत को भी छोड़ देता है। स्टोरी यहाँ पे एकदम खत्म हुई लगती है कि यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो गई, लेकिन तभी यहाँ पे सुप्रिया की स्टोरी निकल के आती है। सुप्रिया को हम देखते हैं कि उसका एक बच्चा होता है जो उसने ही मार दिया होता है कई साल पहले। उसको थोड़ी साइकोटिक प्रॉब्लम्स होती हैं और इसी कारण उसका पति भी मर जाता है। सो ये उसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी थी। तो वो लास्ट में एक जगह जाती है जहाँ पे वो अपने बच्चे से बात करना चाहती है, और वो भूतों के रेल्म में बात करती है, और वहीं पे अचानक से उसके अंदर भी एक भूत आ जाता है, जिसके बाद वो अधिराज को कॉल करती है और यहीं पे शो खत्म हो जाता है। तो ये शो एक स्टोरी तो यहाँ पे निनाद वाली समाप्त होती दिखाई दी, लेकिन एक नई पार्ट के लिए एक नई स्टोरी यहाँ पे हमें देखने को मिली, जिससे कि हमें भी ये साफ साफ पता लग रहा है कि अगले सीजन में कोई एक नई स्टोरी आएगी जिसमें अधिराज का भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा, जहाँ अधिराज इस ग्रज को भूल नहीं पा रहा होता है कि उसने लास्ट टाइम में अपने दोस्त निनाद से बात नहीं की थी। वो तो उसका यहाँ मिट गया होता है, लेकिन अभी आगे आने वाले सीजन में वो फुल फ्लेज इस केस पे काम करेगा कि कौन सा भूत है जो कि सुप्रिया की बॉडी में है। सो जहाँ तक मुझे लगता है कि सुप्रिया की बॉडी में कोई और भूत नहीं बल्कि देव या मालविका का भूत होगा। वो सुप्रिया और अधिराज से बदला लेने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमने देखा
कि कैसे मालविका ने अधिराज की मदद की इन सब केस में। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ये भूत कहीं ना कहीं मालविका का होगा, क्योंकि मालविका देख रही थी कि सुप्रिया अधिराज के करीब आ रही है, अधिराज भी उसे प्रॉपर रेस्पॉन्स दे रहा है। तो ये बात तो तय है कि अगले सीजन में कोई ना कोई एक नया भूत तो आएगा, और मुझे जो लगता है कि वो भूत मालविका का होगा, क्योंकि मालविका इन दोनों से बदला लेने तो जरूर आएगी वापस या से भी। सो ये शो काफी ज्यादा आगे कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, जिसके बारे में हमें आगे वाले सीजन में पता लगेगा। आप लोग की क्या राय है आप में कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।